अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपका भाई एक फिर नई एप्लीकेशन लेके आया है, न्यू डीबी। एप्लीकेशन का नाम है न्यू डीबी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। ये एप्लीकेशन है न्यू डीबी। तो इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फ्यूचर हैं, क्या क्या इसमें न्यू अपग्रेड किया गया पैकेज, तो वो आपको दिखाते हैं। तो आपने इसको ओपन करना है, इसका लॉगिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन अगर आपने लेना है तो इनबॉक्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल रहे हैं, देख रहे हैं, 1 2 3 6 9 10 11 12 फंक्शन मिल रहे हैं इसमें। इसमें आपको कितने, 12 फंक्शन मिल रहे हैं। तो इसमें मज़े की बात है, 2019 का डेटा, 2022 का, 2020 का ओल्ड सिम डेटा, पेटीएम सिम डिटेल, डोमिसाइल वेरीफाई, DMSL यानी कि लाइसेंस, और ये भी लाइसेंस चेक करें, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये गाड़ी मोटर बाइक कार किसके नाम पे रजिस्टर है, ये वो चीज़ है। उसके बाद निकाह नामा रजिस्टर करें, फेक आईडी कार्ड बनाएं, CNIC पिक्चर लें। तो आज हम इस सभी फंक्शनों को यूज़ करके आपको तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो पहले हम चले जाते हैं भाई 2000 ओल्ड में चले जाते हैं, भाई ओल्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नंबर पुट करना है, ठीक है। तो ये मैं नंबर पुट कर रहा हूँ, तो इस नंबर की मुझे डिटेल मिल गया, उसका एड्रेस भी मिल गया, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ बैक। बैक जाने के बाद अभी मैं यहाँ पर पहले वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा, कोविड पिक निकालूंगा, ठीक है। कोविड पिक निकालने के लिए यहाँ पर उसका NICP पेट करूँगा, और उसके बाद प्लीज़ वेट यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना, और प्लीज़ वेट का आइकन आ जाएगा आपके पास। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड का आइकन आ जाएगा, तो डाउनलोड आइकन पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही डाउनलोड आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, HD क्वालिटी के साथ आपको पिक्चर मिल जाएगी। तो अभी हम जाते हैं बैक। अब हम दूसरा फंक्शन क्या है, किसके नाम पे गाड़ी या मोटरसाइकिल है, किसी के नाम पे भी है। तो आपने यहाँ पर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे क्लिक करना है टिक मार्क, अगर गाड़ी है तो गाड़ी के नंबर पे, या ट्रक वगैरह जो भी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गाड़ी का नंबर प्लेट लिखना है कुछ इस तरीके से। ये आपको डेमो दे रहा हूँ, इस तरीके से आपने लिखना है, और IMR अबाउट पर क्लिक करना है। मेरे पास फ़िलहाल कोई गाड़ी का कोई है तो नहीं नंबर प्लेट, तो मैंने ये इसलिए लिख दिया है। तो आपने फिर सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं डोमिसाइल पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो जिसका मैंने NIC कॉपी किया था, तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी देख लेता हूँ उसका। तो ये देखिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है, और ये भाई मुजफ़्फ़रगढ़ के शौकत अली इसका नाम है, तो आपको पीछे भी उसका शौकत अली नाम दिखाया है। तो यहाँ पर ओल्ड सिम में जाते हैं, तो न्यू 2019 में, तो यहाँ पर हम 2019 का नंबर पुट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नंबर पुट कर दिया, और यहाँ पर मोहम्मद अकरम नाम आ रहा है, उसका NIC आ रहा है, और उसका ये आ रहा है, ठीक है। अभी हम जाते हैं बैक। तो बैक जाने के बाद न्यू सिम डिटेल, ठीक है, न्यू सिम डिटेल पे आपने वेट करना है, और यहाँ पर आपको 2022 का लेटेस्ट डेटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी एक 22 का नंबर लिख रहा हूँ, ये मैंने अपना नंबर ही लिख दिया है। तो यहाँ पर ये नंबर नहीं दिखा रहा, तो ये नंबर क्यों नहीं दिखा रहा, तो आपने, ये मेरा 22 का नंबर नहीं है, ओल्ड ही है, तो आपने 22 का नंबर लिखना है। तो मेरे पास एक 22 का नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं ये लिख देता हूँ, ये मैंने नंबर लिख दिया और सर्च पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 22 का नंबर है, तो भाई ये भी 22 का नंबर नहीं है, ओल्ड है, तो मेरे पास कोई 22 वाला नंबर नहीं है ना, मुझे याद ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक ही लिख देता हूँ, हाँ ये 22 का है, तो मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये भी इनका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू डेटा मिलेगा। तो अभी जाते हैं बैक, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 2020 का डेटा। तो भाई 2020 का डेटा लेने के लिए आपने यहाँ पर CN नंबर लिखना है, ठीक है।
तो उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा मोहम्मद अकरम नाम है, उसका एड्रेस वगैरह। अगर आपने उसकी सिम और नंबर लेने हैं सिम के, तो यहाँ पर NIC पुट कर देंगे, ठीक है। उसके जितने नंबर होंगे वो आ जाएंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर उनके मुकम्मल नंबर आ गए। अभी हम जाते हैं बैक और फ्यूचर में जाते हैं, तो यहाँ पर PDM सिम। तो काफ़ी सारे भाई मुझे व्हाट्सअप से पूछ रहे थे कि ये PDM क्या होता है भाई। भाई PDM ये होता है कि अगर किसी के नाम पे कौन कौन से नेटवर्क की सिम है और कितनी सिमें हैं, तो ये होता है PDM। हम आपको चेक कराते हैं कि PDM को यूज़ कैसे करते हैं। IMR बोर्ड पे क्लिक करके आपने वेरीफाई कर देना है, NIC ऊपर लिखना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इन भाइयों की ये क्या जो सा हमें NIC काफ़ी किया, तो यहाँ पर इनकी टोटल 4 सिमें हैं, जैज़ की, ठीक है, और टेलीनार की 0 है, यूफोन की 1 है, जोंग की 0, वारिस की 0, टोटल इनकी 5 सिमें कम्प्लीट। तो अब जाते हैं बैक। तो उसके बाद ओल्ड सिम का हमने पहले ही दिखा दिया डेमो। अब आ जाते हैं भाई डोमिसेल को वेरीफाई करने के लिए। आपको इसका लॉगिन पेड में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ये फ्री में डेमो दे देता है, तो आपने यहाँ पर NIC लिखना है और पुट कर देना है, ठीक है। ये कह रहा है कि नो रिकॉर्ड फाइंड इंटर यूर इनवैलिड, तो वो कह रहे हैं कि NIC नंबर वो डालो जिसका डोमिसेल वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप निकाह नामा रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का निकाह नामा यहीं पर ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ से आप ये फार्म पूर करके ये डायरेक्ट आपको नादरा में रजिस्टर करके देगा। तो फेक आईडी कार्ड जो है ना, फेक आईडी आप नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा IDT, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएँगे और यहाँ पर आपको पाकिस्तान का ID कार्ड मिलेगा, ठीक है, फेक, ये देखें ये रहा। तो आपने यहाँ पर इसको ऐड को क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर आपने नाम वगैरह लिख देना है जो भी लिखना है और जो भी उसका फादर नेम है, और यहाँ पर आपने मेल फीमेल जो भी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर उसका NIC नंबर लिखना है आपने जो भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उसकी बर्थ डेट और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, उसके बाद इशू डेट जो भी लगानी हो, और यहाँ पर आप सिग्नेचर भी उसका लगा सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक मज़े का सीन आएगा, ये मैंने पिक्चर ऐसे लगा दी, और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहे हैं NIC नंबर रॉन्ग, तो यहाँ पर हम NIC नंबर दे देते हैं कोई भी ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने NIC नंबर दे दिया, तो उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, तो वो कह रहे हैं कि NIC नंबर गलत है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि NIC नंबर का क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर 13 इससे होते हैं, तो हम 13 इससे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, तो ये हमने लिख दिया। आप सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये देखें थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनका ID कार्ड बन के आ गया। तो भाई ये ID कार्ड बनाने का, यहाँ पर आप उसकी पिक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाते हैं हम बैक, तो आ गया लास्ट है CNIC पिक। अगर आपने CNIC पिक की लेनी हो, तो यहाँ पर उसका NIC पुट कर दें और थोड़ा सा वेट करें, और उसके बाद यहाँ पर आपको NIC पिक मिल जाएगी। NIC पिक ये देखें, इस तरह की पिक मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में बताना और लाइक दबाना। यार आपका भाई इतनी मेहनत करता है, वीडियो बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है, तो थोड़ा सा तो कोई रिव्यू दो अच्छा सा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।